तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज़ करते हैं और आपको जनवरी का अपडेट मिल गया है अपने डिवाइस में, अब ऐसे में आपको अगर अपने डिवाइस में हैंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो थ्रू मैं बात करने वाला हूँ इस जनवरी अपडेट में जो हैंग की प्रॉब्लम आ रही है इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या ट्रिक्स आपको यूज़ करनी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज आपको पता है, जब भी अपडेट आता है तो अपडेट के बाद कोई ना कोई यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे में आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए, उनको फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप Realme का डिवाइस यूज़ करते हैं, जनवरी अपडेट आपको मिल गया है देखने को, और ऐसे में आपको हैंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या क्या टिप्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जितनी भी ऐप जो आपके बैकग्राउंड में रन कर रही है ना, उनको यहाँ पे क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ पे क्लोज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रैम मैनेजमेंट में स्टोर होती रहती हैं। ऐसे में जो आपका प्रोसेसर है वो उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता है न्यू यहाँ पे चीज़ अगर आप ओपन करते हैं तो। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, सारी ऐप्स को सबसे पहले सिस्टम सेटिंग्स में जाके, प्रोसेस मैनेजर में जाके जो आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है, इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एंड ऑल पे क्लिक करके सारी ऐप्स को क्लोज कर लेना है। अब आपको करना क्या होगा, वापस से आपको अपनी सेटिंग में चले जाना है। तो चलिए हम चलते हैं वापस से सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप का एक ऑप्शन मिलता है, इसको सिंपल यहाँ पर टैप करना है। उसके बाद आपको ऐप मैनेजमेंट पे टैप करना है। उसके बाद आपको थ्री डॉट मिलता है, इस पर टैप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लेना आपको सिस्टम यूआई को, ये देख सकते हैं सिस्टम यूआई। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको ओपन करके इसको स्टोरेज यूजेस को क्लियर करना है, और इसको यहाँ पे फोर स्टॉप एक बार जरूर से कर लेना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सेटिंग्स को भी यहाँ पे फोर स्टॉप कर लेना है। बिकॉज जब भी नया अपडेट आता है तो नए अपडेट में कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं अपडेट के बाद, तो आपको इसको भी क्रिएट करने के बाद इसको यहाँ पे फोर स्टॉप सेटिंग्स को भी कर देना है इस तरीके से। अब जैसे ही आप सेटिंग्स को फोर्स स्टॉप करेंगे तो आप वापस से होम स्क्रीन में जो है चले आएंगे। जब आप होम स्क्रीन में यहाँ पे चले आएंगे, अब आपको अपने डिवाइस को जो है ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, और आपको विंडो एनिमेशन स्केल को भी ऑफ कर देना है। ठीक है, और एक्चुअली में क्या होता है कि अपडेट के बाद ये दिक्कत आती है, बट चाहे तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो 0.5x पे जो है टैप करके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 0.5x पे भी टैप करके क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे सारी मतलब तीनों चीज़ को यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे तीनों चीज़ को ऑफ कर सकते हैं। जब आप तीनों चीज़ को ऑफ कर लेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है डिवाइस को चलाने का वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब इतना करने के बाद आपको अपने डिवाइस को एक बार यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट किया हुआ है, तो आप जो है एक बार रीस्टार्ट इन सेटिंग्स को फॉलो करने के बाद यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो डिवाइस है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकता है, और अगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके डिवाइस में, तो मे भी हो सकता है इन सब सेटिंग्स को यूज़ करने के बाद आपका डिवाइस थोड़ा अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ पे यूज़ हो, और प्रॉपर तरीके से आप अपने डिवाइस को यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों होपली इस वीडियो के थ्रू आपको सारा एक्सपीरियंस हमने शेयर किया इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा, और ट्रिक वर्क करती है तो ज़रूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।